नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ओम साई विजन को संरक्षण दे रहे स्वच्छता निरीक्षक राजेश सोनी। ओम साई विजन को संरक्षण दे रहे हैं नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक राजेश सोनी। कर्मचारियों के कलेक्टर से शिकायत करने पर देते हैं धमकी, बनाते हैं दबिश, कहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आते। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में नगर पालिका की सफाई ठेका कंपनी और स्वच्छता निरीक्षकों की मिली भगत के चलते जमकर शोषण किया जा रहा है। बता दें कि नगर पालिका की सफाई कंपनी का ठेका अब समाप्त हो चुका है, पर दो माह आगे बढ़ाकर उन्हें भरपूर संरक्षण दिया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों का ईपीएफ का पैसा कंपनी ने नहीं दिया और तो और शासन के नियमों को दरकिनार कर अपनी मर्जी से 7,000 से 8,000 तक ही वेतन दिया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों से एक काम की तनख्वाह देकर दो जगह के काम लिए जा रहे हैं। और जब भी इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से करने कर्मचारी पहुंचते हैं तो स्वच्छता निरीक्षक राजेश सोनी और ठेकेदार का मैनेजर मनीष यादव कर्मचारियों को शिकायत न करने और शिकायत करने पर काम से निकालने की धमकी देने पहुंच जाते हैं। आज भी शिकायत हेतु जब कर्मचारी जनसुनवाई में पहुंचे तो स्वच्छता निरीक्षक राजेश सोनी और ओम साई विजन का मैनेजर मनीष यादव वहाँ पहुँच गए और कर्मचारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब इसका वीडियो बनाया तो वो चुपचाप वहां से चले गए और सीएमओ से इस बात को उठाने का बहाना मीडिया के सामने बनाते रहे। इससे साफ हो जाता है कि स्वच्छता निरीक्षक राजेश सोनी और ओम साई विजन के मैनेजर के दबाव के चलते सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। आवाज उठाने पर काम से घर बैठा देने की धमकी देते हैं। आइए जानते हैं अनिल पनवार और विजय जायसवाल सफाई कर्मी ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है? अनिल पवार। क्या कहा सर? ओम साई विजन ठेका कंपनी में आईसी मेंबर के पद पे है तो हमारा यही कहना था कि जैसे हम पिछले जैसे 5 साल से काम वर्कर कर रहे हैं, एक तो सैलरी का विषय है, कम से कम सैलरी कलेक्टर रेट पे मिली जाए, और पीएफ ईपीएफ का है तो बोले इसमें प्रावधान नहीं था और ठेका भी अगस्त में खत्म हो गया, तो हम चाह रहे जो एक्सटेंशन हुआ 2 महीने का तो कम से कम पेमेंट सैलरी बढ़ाई जाए। अभी 7,000 साढ़े 7,000, किसी को 6,000, ऐसे बढ़ाने का बोलते हो तो क्या बोलते? बात करेंगे यही बोला जाता है सर। ठेकेदार का जो यहाँ पर जी मैनेजर क्या कुछ दबाव बनाता है? अच्छा, वो ऐसा है कि अब इतने में करना, हाँ ज्यादा कुछ ऐसा करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा जाएगा, ऐसा बोला जाता है डर की वजह से। हाँ, कुछ लोग का ऐसे ही है, भाई वर्कर इंसान है, सोचता है सामने आके खड़े जाते कि आए ना सामने, बात ना हो ऐसा। क्या लग रहा है, इससे पहले जो ठेका हुआ था उसमें भी ईपीएफ की जानकारी थी, ईपीएफ कटना चाहिए कर्मचारी? सर हमें तो बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। क्या कभी हार्ड कॉपी दिखाई आपको? नहीं दिखाई। क्या मानते हो सर? अब क्या बताया, हमें तो बता ही नहीं गई कि बोले इसमें था ही नहीं, अधिकारी छुपाई जा रही जानकारी, ये भी हो सकता है। और हमें बोला जा रहा है अब जो नया टेंडर होगा उसमें आपके पूरे समाधान किया जाएगा। अगर आपकी अभी भी मांगे पूरी नहीं हो रही सर, अब हम यही इसीलिए आए हैं कि मांगे तो वैसे होना चाहिए, और हम तो चाह रहे सैलरी कम से कम सैलरी तो बढ़े। 6,000 7,000 में क्या होता बताइए महीना पूरा, और कर्मचारी इतना सफाई है, सभी भाई लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, कचरा उठाते हैं, कोई स्वच्छता का वो देते हैं, सहयोग करते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या? तो चरणबद्ध तरीके से अभी जैसे आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, फिर आगे और भी जो हो जाए। कहाँ से आए? मैं बैतूल अजनगर से नगर पालिका के माध्यम से ओम साई विजन जो संस्था है उसमें कार्य कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। क्या समस्या थी? समस्या ये है सर, जैसे हम पिछले 5 सालों से जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी पेमेंट नहीं बढ़ी अभी तक, तो हमने ऑफिस में सब लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि सर प्लीज पेमेंट बढ़ाइए, नहीं बढ़ी इसके। फिर अब अभी कलेक्टर ऑफिस आए इसी के माध्यम से आवेदन देने के लिए कि हमारा जो ईपीएफ और पीएफ का पैसा है, पुरानी जो निविदा है उसका वो पैसा भी हमको आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है कि वो कितना है, क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा। पिछली बार भी हमने ऐसे ही एक हड़ताल टाइप के करा था इसी बारे में सर लोगों से पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि आपका जो पुराना ठेका है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पीएफ पीपीएफ कुछ मिलेगा, इसलिए हम आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। सीएमओ साहब ने भी हमको यही बोला था कि पुराने ठेके में ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी हमने सर से बोला कि इसकी हमको एक हार्ड कॉपी बताइए जिसमें ऐसा लिखा हो, तो उन्होंने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है। और अभी हमने कलेक्टर ऑफिस में सर से वही बात पे आवेदन दिया है कि सर आप पुराना जो ठेका है उसके बारे में बताइए, और अगर वो हमको मिल सकता है ईपीएफ और पीएफ का पैसा
तो हमारा 5 साल पूरा हो चुका है, तो आपसे निवेदन है कि वो पैसा दिलवाए और जो नया ठेका आ रहा है उसमें हम लोगों के हिस्से संबंधित जो भी विषय है वो सर हमको बताइए और वो प्रावधान लागू कीजिए, नहीं तो पता चला इस साल भी आगे अपना ठेका होता और हमको वो सुविधा मिले ही ना। समय समय पे इक्विपमेंट जो दिए जाते हैं कितने बार मिले आपको? 5 साल सर वो देते हैं समय समय पे, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो कुछ भी हो कर्मचारी जैसे टी शर्ट वगैरह ग्लव्स वगैरह समय समय पे देते रहते हैं। 5 साल में कितने बार? कई बार दे दिए, 10-15-20 बार तो दिए होंगे। इसकी शिकायत आपने इसके जो कंपनी का जो मैनेजर है ठेकेदार उनको बोलते हैं सर तो वो दे देते हैं, वो दे देते हैं नहीं ये ईपीएफ और ये इसके बारे में तो अभी सर से बात हुई है तो वो बोलते हैं कि इसका पुराने ठेके में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है तो ये चाहे कुछ हो जाए वो नहीं मिलेगा, नए वाले ठेके में ये प्रावधान किया गया है तो मिलेगा। हमने उनसे कहा सर पुराने ठेके में हमारा जो कलेक्टर रेट बनता होगा प्लीज वो दे दीजिए कम से कम, तो अभी वो उसके विषय में भी उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला है। अभी कितनी सर? अभी हमको 7,000 से चालू, 7 से 8.5 तक के मिल रही है, जैसे जो सीनियर है उनको 8.5 दे रहे और जो जूनियर है उनको 7 और कुछ को 6 भी मिल रही है। मतलब जो कलेक्टेड सरकारी रेट है उससे भी बहुत कम है, कम है। उसकी शिकायत आप लोग करने जाते हैं कभी? कोई ये कंपनी वाले बोलते हैं दबाव बनाते हैं शिकायत के ऊपर? सर बोलते हैं कि यानी जो है यही मिलेगा, बैतूल में तो इससे कम में ही काम हो जाता है, बोले आपको इतना मिलेगा पर्याप्त है बोले। अच्छा आज आप लोग यहाँ शिकायत करने आए थे तो मैनेजर आया था आप लोगों से कुछ बात की? हाँ। क्या बोले? उनने बोले कि अभी नया ठेका हो रहा है और नए ठेके में आपको जो भी सुविधाएं चाहिए सरकार की तरफ से वो मिलेंगी बोले, पर बोले पुराने का भी कुछ नहीं मिल सकता जैसे ईपीएफ और पीएफ का जो पैसा। शिकायत करने के लिए भी मना कर दिया? बोले तो है कि चले जाओ अभी, पर हमने सबने मिलकर आज आवेदन दिया है सर को और